किसानों के साथ हो रही खुली लूट, गेहूं खरीद केंद्रों में कहीं कम ज्यादा तौल तो कहीं ले रहे कमीशन। शासन प्रशासन चाहे लाख दावे कर किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के चाहे आदेश पारित करे, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले किसानों को लूटने का जरिया बना ही लेते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह की तर्ज पर किसानों की जेब काटने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले लुटेरों ने इस बार भी किसानों के साथ लूट जारी रखी। मामला गेहूं खरीदी से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी फसल बचने के निर्देश दिए। बात करें सतना जिला अंतर्गत तहसील मैहर के गोबरिया खरीदी केंद्र की, जहाँ समिति प्रबंधक राजेश चतुर्वेदी भी, यहाँ भी 15 अप्रैल से गेहूँ की खरीदी की जा रही है। जहाँ SMS मिलने के बाद किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। प्रशासन को किसानों की फसल खरीदने और उन्हें भुगतान समय पर करने की जिम्मेदारी का एहसास तो है, लेकिन उनकी नाक के नीचे किसानों से होने वाली लूट की अनदेखी की जा रही है। किसानों के मोबाइल नंबर पर आने वाले SMS के बाद वह किसी तरह अपनी फसल की गेहूँ खरीद केंद्रों तक लेकर पहुँचता है, जहाँ केंद्र प्रभारी किसानों से भरवाई के नाम पर 10 रुपये प्रति बोरी की हिसाब तौल करने के लिए 30 रुपये प्रति क्विंटल तौलाई 51 किलो 400 ग्राम बोरियां से तौलाई ली जा रही है, जबकि शासन स्तर पर घर खरीदी केंद्रों को यह राशि प्रदान की जाती है। नियम के अनुसार किसी भी किसान से कोई भी केंद्र प्रभारी तुलवाई भरवाई और परिवहन के लिए पैसे नहीं ले सकता। यह सारा खर्च खरीदी केंद्र को ही वहन करना पड़ता है, जिसका भुगतान बाद में प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। बावजूद इसके किसानों से हर खरीदी केंद्र में वसूली की जा रही है। आप खुद सुन सकते हैं कुबरिया खरीदी केंद्र में किसानों ने खुद इस भ्रष्टाचार की कहानी अपनी जुबान से बयां की है। उद्घोष में न्यूज से संभाग क्राइम रिपोर्टर जयदेव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपको खरीदी केंद्र में किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे खरीदी केंद्र में मेरा माल लेके आया, मैं ट्राली खड़ी करी, ट्राली खड़ी करने के बाद ऐसे माल डम किया, उसमें भी शुरू से 1000 रुपये काहे के नाम पर उन्होंने 1000 रुपये मांगा हो गया। उन्होंने बोला कि भाई ये माल आपका ये ऐसा है वैसा है, गठरी है, इसका अगर नहीं आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। भाई मैं किसान आदमी हूँ, मेरी तो मैं लेके आया हूँ दूसरे की ट्राली, दूसरे की दिक्कत, मेरी भी गरज है, इसी तरह पकड़ो भाई माल जैसा भी ये समस्या हुई। फिर लेबर ट्राली में लेबर का पैसा अलग से दिया। कितना लिया आपने लेबर का पैसा? मेरे से 10 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से लिया, तौलाई कितनी ली गई? मतलब तौल में कितना लिया गया आप गेहूँ भैया? तौल में मेरे को 30 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से जोड़ा गया पैसा। पैसा आप वजन कितना लिया गया? वजन लिया गया मेरा 51 400 51 300 ऐसा। अब प्रति बोरी फिक्स नहीं थी, 51 300 के ऊपर रहता सब माल, सब माल ऊपर। हाँ 51 300 के ऊपर। आपको फिर अगर आपने देने से इनकार किया जब, तो आपसे क्या बोले उन लोग? जब चढ़ाई मैं फीडिंग कराने के लिए आया, वो बोले FAQ होता है, FAQ का अलग पैसा लगेगा, FAQ नहीं होगा तो आपका माल फीडिंग नहीं होगा। मैंने बोला भाई क्यों नहीं होगा, FAQ तो हो चुका। बोले कि नहीं पैसा लगेगा, मैंने पैसा देने से इनकार किया तो 3-4 लोग रखा है वो, अपने भाई भतीजे एक और आदमी वो होगा, वो गुंडागर्दी मतलब बात की बात करने लगी, गाली गलौज करने लगी, मैं अकेले था क्या करूँ। और आप ही के साथ हो रहा है कि यहाँ सबके साथ एक ही वैसा ही? सबके साथ है लेकिन बोलता कोई नहीं भाई, अपनी अपनी समस्या है वो, उसको लगता है कि या खरीदी केंद्र का वो कौन सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? समिति का अध्यक्ष तो गांव के ही हमारे समिति प्रबंधक का क्या नाम? और प्रबंधक राजेश चतुर्वेदी नाम, ऑपरेटर उनके लड़के हैं दीपक चतुर्वेदी नाम है उनका, और FAQ करने वाले उनके भाई हैं उनका अजय चतुर्वेदी नाम है, और भी उन्हीं के भाई और हैं, एक और अमर पाटन से एक व्यक्ति रहता है, एक लड़का रखे हैं वो पर्सनल, वो ही सब करता है, गाड़ी खड़ी हुई तो वही हो। ये कौन सा खरीदी केंद्र कहलाता है? ये मंगरौरा। ये कहाँ किस तहसील के अंतर्गत आता है? मैहर तहसील के अंदर। इसकी शिकायत की थी आपने कहीं? हाँ मैंने SDM के यहाँ की थी। हाँ। ये बोले कि आप पैसा नहीं दोगे तो नहीं चढ़ेगा। मैंने SDM साहब को लिखित में दिया आवेदन, मैं इसके मंडी CO को दिया जो खरीदी की CO है मैहर में। कोई आया क्या यहाँ चेक करने? या अभी तो मेरे सामने कोई नहीं आया। हाँ। और नान विभाग को दिया, कलेक्टर साहब के आने का आवेदन दिया, अब देखते हैं अभी। अभी आपका गेहूँ तौल हो चुका है कि नहीं? तौल हो गया है, तौल पर्ची मेरे पास है, लेकिन अभी मेरा गेहूँ ऑनलाइन नहीं हुआ।
अभी क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही हो गया? अभी तो बोले हैं कि हो गया भैया, मैसेज आखिरी डेट पे था जिस दिन मैंने आया, वो मेरा आखिरी 19 तारीख की बात है, 28 तारीख को टोल पर्ची दी, 19 तारीख को मेरा मैसेज था, 19 तारीख को यही हाल हो गया, 19 तारीख से डेट भी समाप्त हो गई। अब बोले कि हो गया एक दो दिन में आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा, यही बोले। आपका नाम क्या है? मेरा तो सैलेन सिंह नाम है, मेरे पिताजी के नाम से ना स्पेशल। आप कहाँ से? मैं मंगलौरा।